ये किसका घर है गाइस? ये किसका घर है? यकीन नहीं हो रहा मुझे, कसम से नहीं यकीन हो रहा मुझे। ये किसका घर है? मोइन को क्या हो गया यार? मोइन क्या हुआ यार? मोइन पानी पियो। लोग पानी पाते हैं बोतल पे। गाइस ये बोतल से भी नहीं, किसी भी चीज से हजम नहीं होगा। मोइन हुआ क्या कुछ? अच्छा Assalamualaikum everyone. It's me Hamza Sheh. Welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब गाइस? सब ठीक है? चले व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग आज बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही मजे का है। गाइस फाइनली जिस चीज का हमें बहुत ज्यादा वेट था वो अब आ चुकी है। जिस बंदे से मिलने हम लाहौर आए थे उन्होंने हमें टाइम दे दिया है और उन्होंने बकायदा हमें इन्वाइट किया है, तो हम उनके घर जा रहे हैं उनसे मिलने। गाइस अगर आप लोगों ने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो स्किप ना हो और जो स्पेशल वीडियो है वो भी स्किप ना हो, क्योंकि जिस चीज का सबको वेट था, काफी ब्लॉग में हमने ये बात की है कि स्पेशल बनना, तो वो घड़ी आ गई है। इस वजह से लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो स्किप हो ही ना मजीद। ओके गाइस फिर हम उनके घर जाते हैं और मैं अपना व्लॉग फिर वहां पे जाके स्टार्ट करती हूं। 5 मिनट्स लेटर। हां जी गाइस तो हम निकल पड़े हैं रास्ते में। ये देखें लाहौर की रोड, आपको भी दिखाता हूं। थोड़ी देर में हम वहां पहुंचेंगे जिस चीज का आप सबको भी वेट है और हमें तो बहुत ज्यादा। गाइस आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, सीरियसली आप लोगों को यकीन नहीं आएगा और यकीन अभी तक मुझे भी नहीं आ रहा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ख्वाब है, उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया है यार। मतलब मुझे नहीं यकीन आ रहा। अभी मैं पोछते लगी हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस मकसद के लिए लाहौर आए थे, किससे मिलने आए थे। ये मैं बता, हम किसी से मिलने आए अब तो मैं कह ही देती हूँ। तो अभी हम जाएंगे उनके घर और मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर मैं देखूंगी। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोग शॉक्ड हुए कि नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपने टाइटल में तो पढ़ लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये मतलब हमें यकीन नहीं आ रहा ना। हम तो बस सोच रहे हैं, मुझे तो अब बात नहीं हो रही मुझसे। तो अभी बस हम उनके घर जाएंगे और फिर मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और फिर आपने हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। कैसा क्या लगा? जबरदस्त व्लॉग होगा वो, तो असल व्लॉग ही यही है। सही बात है, हमारा सबसे अच्छा व्लॉग यही होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 5 मिनट रह गए पहुँचने में, लेकिन मसला ये हुआ है कि रास्ते में इतनी ज्यादा एकदम से धुंध पड़ गई है कि एक तो हमारी गाड़ी भी पंगे कर रही है और हमें टेंशन भी हो रही है कि अब हम बस जल्दी से पहुंच जाए। अशरफ भाई कितनी देर है? ये देखें गाइस 5 मिनट नहीं, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं और हम बहुत स्लो चल रहे हैं और देखिए अब क्या होता है आगे जाके। 3 मिनट बाद जज्बात बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। A few inches later. नहीं रजब भट्ट के घर बाहर खड़े में है। बिल्कुल अभी वो हम अंदर जाएंगे तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस ये वही गली है जिसको मैं रोज टीवी में देखती हूँ। आज मैं उस गली में आके खड़ी हो गई हूँ। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा कि मैं रजब के घर आई हूँ। ओह माय गॉड, ये किसका घर है गाइस? ये किसका घर है? यकीन नहीं हो रहा मुझे, कसम से नहीं यकीन हो रहा। ये किसका घर है? किसका घर है? हमजा रजब भट्ट का घर है। गाइस वेट करने लगे हैं। गाइस अच्छा किसी की आवाज ही नहीं कर रही। गाइस हम पहुंचे हैं रजब भट्ट के घर। चले आए अंदर, चले, हमें बहुत अच्छा वेलकम किया। गाइस हमारा बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ है कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। आ चुके हैं, हम देखें जरा अवेस ठीक है। हैप्पी भी बोलते हैं। देखें इनकी हैप्पीनेस तो आपके चेहरे पर आ रही होगी। ये हरून की दिख रही है, ये मोइन की भी है। मोइन हैप्पीनेस दिखाओ। ये हीरा तो मेम बन के यहाँ बैठ गई है। बिल्कुल नहीं हो रहा बाकी। और ये नीचे बैठी हुई है, देखें आंटी आ चुकी है, हमारी मोस्ट फेवरेट आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक पकड़ो मेरी लुगी। अस्सलाम जी, क्या है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का वेट था वो आ गए। देखें देखें रजब भाई आ गए हैं बिल्कुल हमारे सामने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वेलकम हमारा हुआ। ये देखें गाइस सब बैठे हुए। ये देखें हरुण, मोइन, मोइन, मोइन गाइस क्या कह रहे हैं? गाइस कुछ कह रहे हैं? मोइन गाइस कुछ ना कह, अभी अब देख रहे हैं। हीरा, हीरा मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। गाइस सब कंफ्यूज है, हम सब कंफ्यूज है। देखें कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? आप कहां से हैं आप लोग? आपसे बस मिल लिया यही बहुत है। तो ये 4-5 किलोमीटर से बड़ी मुश्किल से आया घर। अच्छा वैसे रावलपिंडी में नहीं है रजब इतनी तो ये मरी वाला माहौल बना रहा था। एक दो दिन छोड़ के हो जाती है, कल भी बहुत थी, परसों नहीं थी इतनी, एक दो दिन बाद हो जाती है। एमन आपको क्या हुआ है? मैं सब भूल गई हूँ, मैं सब भूल गई हूँ। इतने एक्साइटेड थे आपको मिलने के लिए, सीरियसली हम सब बोला ही नहीं जा रहा था कुछ। लोगों ने हमारा दिल की हार्ट बीट ऐसे तेज थी, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी से मिला नहीं पता मुझे, मैं ना जी जी जरूर। आप लोगों को देख लिया हमारा पानी छानी सब हो गया। बहुत शौक से हम आपके इस्लामाबाद से फैंस आए हैं ये समझे। नहीं अभी हम स्टे करेंगे, धुंध काफ़ी हो गई है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं फैमिली एक ही है जी। ये देखें व्हाट्सअप बैठे हुए हैं बिल्कुल सामने, सारे बैठे हुए, कोई भी व्लॉग नहीं बना रहे। और अहमद को तुम बिल्कुल फोन नहीं पकड़ी है। ये देख लें गाइस, ये देखिए अहमद इसमें फुल छोड़ी हुई। अभी हमने बनाया वो भी आपको देख के, आप लोग देख के फैमिली देख के। अब ये इसकी सिस्टर है, ये इसकी वाइफ है, ये दोनों भी सिस्टर हैं और ये दोनों बहनें हैं। सामने आमने बैठे हैं सर, सामने सामने सारे बैठे हैं। आमीन आमीन। हमारा जो घर बहुत खिचड़ी वाला रिश्ता है, हमारा बहुत खिचड़ी वाला रिश्ता है। ये दोनों बहनें हैं और ये मेरी खाला का बेटा है, ये मेरी खाला की बेटी है। अच्छा आप लोग फैमिली में करते हो ना? नहीं 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 नहीं, ये दोनों बाहर से हैं। आमीन आमीन। आदत है, पहला बच्चा था कुछ बहुत लेट 6-7 साल के बाद मौलाना ने मुझे दिया, तो ना इसको सारे ही इसका ना इसको हाथ पे बिठाने वाले थे, ननिहाल में भी ददियाल में भी। अगर मैं भी वैसी हो जाती तो इसने ना जो थोड़ा बहुत पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा और बात किसी की नहीं सुननी थी। मैं ही जब ऐसे करती हूँ मेरा मोटा वाला हाथ मेरे हाथ में देखो आपका और बहुत मोटा है। मोहब्बत भी होती है, मुझे पता था मुझे यहाँ पे इसको डांटना यहाँ पे नहीं डांटना। जी जी ओके। अभी भी उसको मेरी डांट की जरूरत पड़ती है, अभी भी खा लेगा डांट। अब कहता है अब मेरी शादी हो गई, अपना मुझे जाना, मैंने कहा डांट तो नहीं पड़ेगी
मैं शुरू से ही उसको मैं डांटती हूँ, थप्पड़ मारती थी नाक से फोन निकलता उसके थप्पड़े आती थी ना, जब इसकी लाजमी मीठी चीज से प्यार होता है बहुत ज्यादा इनको, तो बहुत है शुरू से मीठा बहुत करते हैं। अच्छा मैं चाय मीठी शायद पीती हूँ और कोई मीठी चीज मैं नहीं करती, तो व्हाट्सएप कोई छोड़ते ही मैं कह रहा हूँ खास में शुगर पेशेंट होना वो लाजमी करता है, उनका कोई चीज सामने आ जाए डॉक्टर ने कहा कि इनको इंसुलिन नहीं लग सकती, शुगर बोलते हैं शुगर ऐसी है। अच्छा दो दिन मेरा ख्याल इन्होंने गजरेला उगा दे कोई फैन बना के लेके आए, इन्होंने मेरा ख्याल वो खाया है क्योंकि मैं शुगर आती मैं खाती नहीं, मैं इसके अम्मा के घर भेज देती हूँ अपने गार्ड्स को खिला देती हूँ सबको कि खत्म हो जाए घर में ना, अगर कोई चीज पड़ी रही फिर सुबह वो नहीं होती। तो ये ज्यादा महिला आपके पास ही रहती है? ज्यादा नहीं रहती मेरे पास। अच्छा रहती है अपने घर नहीं रहती। अच्छा जो अपने घर बैठे चले जाओ आपने क्या टाइम हो तो खा दूंगी जब से पैदा हुई ना जी हमारे गदर की शादी के बाद तो फिर बिल्कुल ही ना गई अपने घर के। अच्छा यहाँ पे हम 17 साल यानी 2-3 साल हम उधर गए थे ग्रीन में, कुछ नहीं कराया कोई एक स्टोरी भी करे वो स्टोरी आप करके ना तो मुझे मेंशन कर दे मैं भी रीशेयर कर दूं ठीक है चल अच्छा उससे हो जाएगा अगर एक चैनल है तो एक कर दे एक ही हम सब का एक है जी 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 अच्छा जब सोचो हम दोनों कौन है आपस में गेस करो बड़ा मशहूर रिश्ता है और बड़ा नंद और बहू ये ना अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है सब ठीक ठाक है, रात के 11:05 हो रहे हैं, बहुत ही एक प्यारी फैमिली पिंडी इस्लामाबाद से हमारे घर पे आए हैं, मोस्ट वेलकम। अभी फॉग भी बहुत हो रही है, खैर ऑफिस अपने घर वापस जाएं। इनका चैनल है यूट्यूब पे सर्कल फैमिली के नाम से, जहाँ ये सारे फैमिली कंटेंट अपना करते हैं, मैंने भी नहीं देखा लेकिन इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इनका चैनल एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि वो मजीद अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो क्रिएट करते रहे। बहुत शुक्रिया, मुझे ज्यादा देर नहीं मैं निकलूं चेरी बैठे हां बस दूरी दूरी ज्यादा घर जा रहे कैसे जाए अपना बड़ा ख्याल रखने वाला था आप लोगों को कामयाबियां दे सलाम की दे सलूक तफाक दे खुश रहे बाद ने बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का मेहरबानी आप लोगों की ओके जी अल्लाह जी गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, हमें आप यकीन करें इन लोगों ने इतना कोई अच्छा प्रोटोकॉल दिया है कि मुझे मतलब फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर आई। 20 minutes later. जी गाइस तो अब हमारा रजब बट से हो चुका है मीटअप आपको पता है, तो उसके बाद हमें इतने जोर की भूख लग गई तो हम अब कुछ खाने पीने आ गए। गाइस तो हम लोग आ गए अंदर, बड़ी जबरदस्त और आउट क्लास जगह लग रही है, और क्या पता हम रजब से मिल के आए तो हमें हर जगह अब अच्छी लग रही है और ऑलरेडी भी जगह बहुत अच्छी है। देखें गाइस गाइस हमने ये सब कुछ ऑर्डर किए, इतनी भूख है जब तक हम उससे मिले नहीं हमारे हलक से कुछ होता है, तब तो तू देखना ये खा रहे गाइस ये ज्यादा जज्बाती होगी थी थोड़ा सा, वो देखे वो देख भी रहे हैं, देखे वेटर भी हंस रहे हैं इन पे देखे। सॉरी यकीन माने बहुत ही रिलैक्स हो गए आज, हमारा लाहौर आने का मकसद पूरा हो गया, ऐसा फील नहीं हुआ
हुआ कि हम किसी गैर के घर गए हैं या वो बहुत कोई बड़े हैं जो हमसे मिलेंगे नहीं, सही तरह बात नहीं करेंगे। खास तौर पे माँ जी यार, उन्होंने हमें इतना मतलब इतना टाइम दिया, इतना प्रोटोकॉल दिया, बाकी यार उन्होंने बाकी बाकी बहुत अच्छा दिया। और रजब ने हमारे लिए टाइम निकाला, हालांकि वो कहीं गए हुए थे और वो स्पेशल आए, उन्होंने हमें टाइम दिया, जब उन्होंने सुना कि फैमिली आ रही तो वो आए। बिल्कुल यार, नो गाइस, जो जो ये बातें अच्छा, एक बात, एक बात, हमें हमारे साथ हमेशा जो होता है वो रात को होता है। आप यकीन करें हमारा उनसे सुबह का मिलना कम है, तो मिले कितने 11:30 बजे। बिल्कुल, उन्होंने व्लॉग में भी बताया, लाल भी देखिएगा। उन्होंने पता क्या कहा, आप घर कैसे जाएंगे, इतनी फॉग है। हमने कहा नहीं, हम स्टे करेंगे। उनको क्या पता कि हम इतने जहाँ भी जाते हैं ऐसी तबाही फेर देते हैं हमेशा। ये बात सीधा खाने पे ले गए, क्या कहा आपको पता, मैं तो यार ये हीरा मोइन का, हीरा से बिल्कुल बिल्कुल यार, हीरा और मोइन दोनों गए हैं भाई, थोड़ा साइड साइड उनसे भी आपका तारुफ कराते, वो भी बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी है। 11 minutes later. Guys, अब तो हमारी बस हो गई है, लेकिन हमने पिज्जा बर्गर ही देखे जरा क्या क्या मंगाया। ओह माय गॉड, सब कुछ इतना यमी था लेकिन हमजा का पेट नहीं भरा। क्या मसला है हमजा, बस करो, खुशी में ज्यादा खाया गया। हारून आपने और पिज्जा मंगाया है? और मंगाया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, भूख लगी हुई थी, सुबह तो कुछ नहीं खाया था, चलो मैं खाऊंगा। हम लोग इतनी खुशी, इतनी खुशी, हम अपनी खुशी आप लोगों को जाहिर कर ही नहीं सकते हैं, जो सच्ची और रियल बात है, हमारे अल्फाज ही नहीं है जितने हम खुश हैं। गाइस, कि हमने दो लार्ज पिज्जे मंगाए थे, देखे जरा पेट भर गया, यम्मी। ये जो लोग कह रहे थे ना, इन्होंने पिज्जा मंगवा के अब लोग खुद खा रहे हैं, ये देखे गाइस, आधा हो गया पिज्जा इनके इतने खाने के बावजूद, और शोर इतना हो रहा होगा, मेरी आवाज आप लोगों को नहीं आ रही होगी, सिर्फ मैं और मोइन भूखे बैठे हैं। ये देखें, मोइन का पेट भर चुका है, बोतल पी रहा, हीरा भी बोतल, और अमन साहब तो बिल्कुल ये खा रही है पिज्जा, बहुत ज्यादा खुशी होगी इसको। गाइस यू नो मैं डाइट पे हूं। गाइस अमन की ना इधर वो लगी थी कैचअप, हम लोग में काटेंगे नहीं बात, बहुत फिट लगेगी देखना। ये देखें, ये डाइट इसकी देखी है हम लोगों ने, हमेशा की तरह डाइट पे। गाइस आप अमन से अभी बुकिंग करवा लें मिलने की, क्योंकि बाद में अमन ने नहीं मिलना। ये गाइस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है जी बिल्कुल। हीरा आपका क्या कहना है? मैं ऐसे मास्क लगा के आता हूं, दफा हो जाओ वगैरह। आपको अमन से मिलने के लिए जाना पड़ा करेगा। मोइन तो हमेशा अमन के बारे में ये क्यों कहता है? मैं नौशी के बारे में कहता हूं। फिर नौशी वो फटे वाली वो लगा देती है मीम टान आना ना। तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी अपने के घर में ही हैं। बिल्कुल यार, नो डाउट। साहब भी उन लोगों ने महसूस नहीं करवाया कि हम उनके घर से मिलने आए हैं। जब उन्होंने मुझे कॉल पे इनवाइट किया ना, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा? तो मेरे को हमें उन्होंने इनवाइट किया, टाइम दिया कि आप इस टाइम पे आए, और जब उन्होंने कहा कि अब मैं भी इनके व्लॉग्स देखूंगा, ओए हो, ये तो चस आ गई थी, चस कहता कठानी सब ना ले, तो छे हो ना एक व्लॉग। 10 seconds later, क्या हुआ मोइन? मोइन बेटा, ओ मोइन को क्या हुआ? मोइन को क्या हो गया यार? मोइन क्या हुआ यार? मोइन पानी पियो, लोग पानी पिलाते हैं बोतल पिला रहे हैं। गाइस ये बोतल से भी नहीं, किसी वजह से हजम नहीं होगा। मोइन हुआ क्या कुछ? अच्छा गाइस बिल आ गया, इतना बड़ा बिल तो नहीं, इतना ऑर्डर किया था, जज्बात से ऑर्डर कर रहे थे। बिल्कुल यार, सब कह रहे थे बहुत भूख लग रही, मैंने कहा सबके किले दूर कर दो आज, सबके किले। हीरा आपको ओ बिल आ गया, मुझे भी दिखाओ। ओ सीरियसली यार, मुझे भी लग रहा कुछ 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 स्पेसिफिक हो गया मिशिगन अट्रैक्शन। ओ तेरी यार, चलो भैया मैं एटीएम नहीं लेके आया। गाइस अब मैं तो, मुझे तो दिखा नहीं रहे हैं, मैं कैमरा बंद करके चेक करता हूँ यार कितना आया बिल। ओके गाइस लेट, हम जा रहे हैं घर अच्छों बच्चों की तरह। गाइस अब हम यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, हमारे साथ साथ रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर अभी भी आप लोग ना करें यार, ये बहुत गलत बात है यार। अब तो आएंगे, लाइक्स भी आएंगे, सब्सक्राइब। और मोइन जो बात कहते हैं हमेशा से, मोइन प्लीज, मोइन गाइस गाइस, अब तो हमें अंगूठे की जरूरत ही नहीं है, अब देखेंगे सब्सक्राइब हो जाएगा। Subscribe!
बिल्कुल यार गाइस, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा खासा हमारा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा और बहुत ही ज़बरदस्त था। हमारा जो प्लान था सब हो चुका है, अब हम व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाफ